11.4 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। आवर्त सारणी में अधातुएं हाइड्रोजन को छोड़कर समूह 14 से समूह 18 तक स्थित हैं, अर्थात इन अधातुओं के परमाणुओं के बाहरी कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। आप जानते हैं कि अधातुएं धातुओं की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं, किंतु प्रत्येक अधातु की विद्युत ऋणात्मकता भी भिन्न होती है। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.01 से 4.1 के मध्य होता है। आवर्त सारणी में हमने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता समूह में नीचे जाने पर घटती है और आवर्त में दाएं जाने पर बढ़ती है। इसलिए आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक है और ऑक्सीजन और क्लोरीन का मान भी लगभग आसपास ही है। विद्युत ऋणात्मकता का मान यह निश्चित करता है कि अधातु किसी धातु अथवा अन्य अधातु से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। समूह 18 के तत्वों को छोड़कर अन्य अधातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में ऋणायन बनाती हैं अथवा सहसंयोजी बंध बनाती हैं। आइए अब हम अधातुओं की कुछ सामान्य अभिक्रियाओं के बारे में समझें।